शिक्षण, रोजगार आणि मोफत वीज देण्याचा अपक्ष उमेदवार अब्दुल हाफिज यांचा वादा. धुळे, शिक्षण, रोजगार, मोफत वीज यासह जनतेच्या मुद्द्यांवर आपण निवडणूक लढवत असून निवडणुकीत यश मिळाल्यास जनतेला दिलेले सर्व वादे पूर्ण करणार असल्याची ग्वाही धुळे लोकसभा मतदारसंघातील अपक्ष उमेदवार अब्दुल हाफिज अब्दुल हक यांनी दिली आहे. धुळे शहरातील आपला महाराष्ट्र कार्यालयात मूळ धुळे जिल्हा मराठी पत्रकार संघाने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत अपक्ष उमेदवार अब्दुल हाफिज यांनी उमेदवारी संदर्भात माहिती देताना सांगितले की देशाची सध्याची स्थिती भयानक आहे. बेरोजगारी वाढली आहे, शिक्षण महाग झाले आहे. MBBS साठी लाखो रुपये असतील तरच प्रवेश मिळतो. देशात विद्वेषाचे वातावरण आहे, सध्या लुटमार सुरू आहे. या सर्व गोष्टींना आळा घालण्यासाठी माझी उमेदवारी आहे. धुळ्याचा आजपर्यंत दुर्दैव म्हणून बाहेरचेच लोक धुळ्याचे खासदार झाले आहे. ते बाहेरचे असल्याने आमचे मुद्दे संसदेत मांडत नाही. 10 वर्षात धुळ्याच्या खासदारांनी काय केले असा सवाल अब्दुल हाफिज यांनी विचारला. शहरासाठी, लोकसभा मतदार संघासाठी, समाजासाठी, देशासाठी इमानदारीने काम करण्याची माझी भूमिका आहे. रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी MIDC विकसित करणार, भ्रष्टाचार होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, धुळ्यात विद्यापीठाची स्थापना करावी, मतदारसंघात जागोजागी स्टडी सेंटर उभारून विद्यार्थ्यांची राहण्याची भोजनाची निःशुल्क सोय करण्यात येईल, सोलरच्या माध्यमातून मोफत वीज देण्यात येईल, प्रत्येक गावात फिल्टर प्लांट उभारून पाण्याची व्यवस्था केली जाईल, शेतकऱ्यांना वीज खते मोफत दिले जातील, बेघरांना घर दिले जाईल, असे मुद्दे अब्दुल हाफिज यांनी त्यांच्या जाहीरनाम्यात घेतले आहेत. अब्दुल्ला कंसारी, मैं लोकसभा धुळिया से उम्मीदवारी कर रहा हूं और मैं जो है तो एक उद्देश्य के तहत मैं ग्राउंड में उतरा हूं क्योंकि मुझे पता है कि पीछे जो चुनकर आए कैंडिडेट उन्होंने क्या किया, लेकिन मैं करना चाहता हूं क्योंकि मैं जमीनी लेवल का इंसान हूं. मैं अगर चुनकर आता हूं तो मैं शिक्षण फ्री कर दूंगा क्योंकि आपको पता है कि आज शिक्षण इतना महंगा होता जा रहा है कि एक मिडिल क्लास आदमी भी शिक्षण अपने बच्चों को उच्च शिक्षण नहीं दे पा रहा है. उसके अलावा जो है तो मैं बिजली फ्री दूंगा सूर्य ऊर्जा के जरिए. मैं हर गांव में फिल्टर प्लांट लगवाऊंगा. जो दंगे फसाद हो रहे हैं उसे खत्म करने के लिए एक मजबूत कानून लाऊंगा. और इसके अलावा जो है तो बेघर लोगों को मैं घर दूंगा और बेघर लोगों को मैं घर फराहम करूंगा. और आप लोगों से मैं ये अपील करता हूं कि आप लोग मुझे वोट करें. मैं और मनमाड़ इंदौर लाइन भी जो है तो जो धुलिया का पेंडिंग मसला है उसे भी लाऊंगा. और आप लोगों को पता है कि हमारे माजी के खासदार ने हमारे लिए कितने काम किए और कितना हमारा मुद्दा संसद में उठाया है. तो इसीलिए आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग मुझे वोट करें और मुझे भारी अक्सरियत से चुनकर लाए. अगर मैं चुनकर आता हूं तो मैं आपके हर मसाइल को संसद में उठाऊंगा और आपके लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा. मैं झुकूंगा नहीं, मैं बिकूंगा नहीं और किसी के आगे सरेंडर नहीं होने वाला हूं. मैं आपके लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा. आप मेरी जो निशान है बैट पर 20 तारीख को भारी मत दे, यही आप लोगों से गुजारिश है. आपको तो पहले ही पूछ लेना चाहिए था, बड़ी अच्छा सवाल है. देखिए ये जो है तो ये इलेक्शन है, ये बातें चलते रहेंगी. अगर इरशाद भाई मुझे खड़ा करता या मुझे BJP खड़ा करती तो मेरे पूरे शहर में होर्डिंग लग जाती क्योंकि मेरे पास पैसे खूब होते. मैं गरीब कैंडिडेट हूँ, मेरे पास प्रचार के लिए भी पैसे बहुत थोड़े हैं. मैं बड़े मेहनत से प्रचार कर रहा हूँ और अगर मेरे मतलब वो होता, कोई मेरी मदद करता तो मेरे साथ 200-300 लोग घूमते, मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता. तो ये इल्ज़ाम है, आप समझ सकते हो कि क्या सही है और क्या गलत है.